गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में जो आप लोगों का दूसरा चैप्टर है बेटा, द्वितीय पाठ है, माता पुत्रियों संलाप, ये मैं आप लोगों को रीड करवा दी हूँ। और आज मैं इसका शब्दार्थ के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ बेटा। तो देखिए, सबसे पहले शब्दार्थ में क्या क्या है। आकारय, आकारय में क्या है, आ प्लस क्री प्लस निच मिस बुलाना, आकाराय मिस होता है बुलाना। अन्य, अन्य का मतलब होता है दूसरा। सह, साथ, जिसे विथ इंग्लिश में बोलते हैं नेत्राभ्याम, दोनों आँखों से, बाय टू आइज। शीघ्रम, जल्दी, क्विक। सहायताम, मदद। बचनम, बात। बरसानी, बरसो। जीवेत, जीना चाहिए। आम, हाँ। गुरुम, अध्यापक। चलितुम, चलने में। कुपा, गुस्सा होना। अनायासे, अचानक ही। कर्तव्यम, फर्ज। सतम, स्व, तावत तक। तो आप लोगों के शब्दार्थ मैंने इसलिए रीड करवा दी हूँ, जो बहुत बच्चे के पास बुक नहीं होगा। और उसके बाद है बेटा पहला नंबर जो है वो है क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। पहला है, पुत्र अध्यापक किम यच्छति। पुत्र अध्यापकाय किम यच्छति। यच्छति का मतलब होता है देना, आप लोगों के इसमें भी होगा। तो इसमें कह रहा है, पुत्र अध्यापकाय मिष्ठान यच्छति। पुत्र जो है वह अध्यापक को मिष्ठान देते हैं। अध्यापक केन सह गच्छति, अध्यापक मित्रं सह गच्छति। अध्यापक कस्मै कुप्यति, अध्यापक मित्राय कुप्यति। किम, भौ नंबर क्वेश्चन है, किम अर्थम अध्यापक कुप्यति, किस कारण अध्यापक जो है वो गुस्सा होते हैं। अध्यापक कुप्यति यत मित्रं सह शीघ्रं चलति। शीघ्रं चलति का मतलब होता है वो तेज चलता है, इसलिए गुरुजी जो है, अध्यापक जो है वो गुस्सा होते हैं। कुप्यति का मतलब होता है गुस्सा होना। जना अंधा कथं भवन्ति, वो पुत्र जो क्वेश्चन करता है अपनी माता से, जो लोग जो है वो अंधा कब हो जाते हैं। जना अंधा अनायासे भवन्ति, लोग अचानक ही अंधे हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा में है बेटा, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। बाढ़म, अहम, अवश्यम, एव। गुरुम, आकार्यमी। इसमें पहला में होगा गुरुम। ख में है अध्यापक, नेत्राभ्याम अंधा अस्ति, अध्यापक का जो आँख है वो क्या है, वो अंधा है। ग नंबर है, अध्यापक मित्राय कुप्यति यत सह शीघ्रं चलति। मित्र, इसमें क्या होगा, मित्राय, अध्यापक जो है वो किसके साथ चलते हैं, मित्र के साथ। घ नंबर क्वेश्चन है, आम, अहम अध्यापकाय मिष्ठानं यच्छामि, अध्यापक को क्या क्या देते हैं, हम क्या देते हैं, विद्यार्थी जो है वो अपने लिए यहाँ पे अहम यूज किया है, तो मिठाई देते हैं। अहम सर्वदा युष्माकं वचनं अस्मरिष्यामि, हम आपका वचन को हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, वचनम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, और एक चीज़ आप लोग पिछले साल के बुक पढ़े हुए हैं उन्हीं में से कर लेते हैं, तो मैं कुछ कुछ वर्ड्स चेंज भी की हूँ, तो उन्हें आप लोग सही कर लीजिएगा, वीडियो गौर से देखिएगा, गलत मत कीजिएगा। आप लोग सिक्स क्लास सेवन्थ में चले गए, आप लोगों के नोटबुक या बुक में रेड पेन बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में पदों का परिचय दीजिए। तो क्या है अध्यापकेन, तो क्या होगा, अध्यापक पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन। इसका जो पूरा पद परिचय है, इसका जो मीन्स सारा परिचय है वो क्या क्या है, अध्यापक पुल्लिंग है ये, तृतीय इसमें तृतीय विभक्ति है, इसीलिए अध्यापकेन है और एक वचन है। गच्छति गम धातु रूप से लिया गया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद चलिए है मित्रस, मित्र षष्ठी विभक्ति एक वचन। नेत्राभ्याम नेत्र तृतीया चतुर्थी, इसमें पंचमी तीनों विभक्ति है लेकिन मैं पंचमी नहीं लिखी हूँ, तृतीया चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। अहम, अहम जो है वो अस्मत शब्द रूप से है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अस्माकम अस्मत से ही लिया गया है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो चलिए आप लोगों का मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3
कंप्लीट करा दी हूँ, इसे आप लोग नोटबुक और बुक में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4-5 मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।